नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहत टोल प्लाजा पर भी किसानों ने चक्का जाम किया हुआ है। यहाँ पर महिलाएं टोल बूथ की लेन में बैठी हुई हैं। लगातार इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही है। टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम महिलाएं पुरुष किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में सहभागी रही हैं। धरना भी दिया है और आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं आज इस चक्का जाम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन टोल बूथ की लेन में बैठी हुई हैं। इन महिलाओं से सीधा बात करेंगे, जानेंगे कि इन महिलाओं का क्या मानना है आज जो चक्का जाम किया है, और महिलाओं की भूमिका मैंने स्टेज पर देखी, धरना स्थलों पर देखी, आज चक्का जाम के दरमियान इन टोल बूथ की लेन पर भी महिलाएं हैं। बिल्कुल हैं, और महिलाएं अब अग्रणी भूमिका में हैं। अब पूरे आंदोलन पर नज़र डालो शुरू से, जैसे ही आह्वान आया था महिलाओं ने निकलना शुरू कर दिया था, और हर जनवादी महिला समिति ने गांव-गांव जाकर महिलाओं का आह्वान किया, महिलाओं ने रिस्पॉन्ड किया, वो चाहे साथ। आप तस्वीर उधर देखिए, एक तरफ जो मोटरसाइकिल वाले निकलने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें महिलाएं ही रोक रही हैं। समझाने की चेष्टा की जा रही है कि 3 घंटे का सांकेतिक जाम है, 3 घंटे तक रुकिए, हमारा सहयोग कीजिए, और उसके बाद 3 बजे के बाद ससम्मान आपको यहाँ से रास्ता दिया जाएगा। इस टोल बूथ पर खाने पीने की व्यवस्था भी की गई, चाय पानी की व्यवस्था है, मीठे में गुलदाना लगा है। ये बस रुकी हुई है, इन बसों में से बहुत सारी महिलाएं नीचे उतर के आई। माँ भाई क्या बात है, जाना है क्या आगे आपको? लना जी हम तो ये देखने के लिए रुक गए, दिल्ली से आए थे वो लोग। माँ भाई आपकी अगर बहुत इमरजेंसी है तो बताओ हम निकालें। लना जी हम तो यहाँ टोल पे यहाँ देखने आए कि चल क्या रहा है। बाकी और जो कुछ बहनें आई थी स्कूल जाना था उनको, उनको हमने अपनी गाड़ी से, उनकी गाड़ी यहाँ रुकवाई और अपनी गाड़ी से हमने उनको सांपला जाना था, सांपला भिजवाया। तो कोई भी रास्ता दिया जा रहा है कुछ और ग्रामीण महिलाएं। हम आपसे बात करेंगे, आप बताइए कि आप लोग यहाँ सड़क पर जाम लगाए बैठे हैं, क्यों लगाए बैठे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? भाई इतना हमारे 3 कानून वापिस नहीं होंगे, इतना हम नहीं हटा, जो 3 घंटे का जाम है इतना हम पूरा चक्का जाम रखेंगे। इतना मोदी हमारे कानून वापिस नहीं लेगा, इतना हम डटा नहीं आड़े तटन। इन 3 कानूनों से खतरा की है, वो खतरा की है जो डर लग रहा है हमने कोई खतरा ऐसा और कैसा भाई, ये सब क्या है ना, कंपनी तब चला कर आम आदमी क्या करेंगे, किसान क्या करेंगे? ये हमारे गेहूँ भी लाइन पे बिकवास है, उतने मशीन आ जाम ना हमारे गेहूँ एक बच्चा बेकेंगे कड़े तो आराम कड़े गे रहे हैं, और फरदा पे गेहूँ ले हमारे लकड़े 60 मन गेहूँ वो ले 30 मन गेहूँ कड़े बेचेंगे। बाजरा भी फरदा पे बिकवा हुआ है, 10 क्विंटल बाजरा ले 20 क्विंटल लकड़ा उन्हें कड़े बेचेंगे। मोदी भाई हमने बावड़ा बना रहा है, जो हमारे पहले कानून थे ना वे दे, इतने हमारे 3 कानून वापिस नहीं ले लेगा ना, इतना हमने उठे जी। क्या खतरा है आपको भाई? खतरा क्या है? खतरा है और नहीं है तो ये क्यों जबरदस्ती थोप रहा है? हमें किसान नहीं लेना चाहता, मत दो। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हमें किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है। अरे दोगुनी नहीं चाहते किसान ने, हम तो एक ही में खा लेंगे, पर हमें बिकवास होता मत बनाओ, हमें बेचो मत, हमें जैसा है वैसा ही रहने दो। जमीन है ये, अन्नदाता है, अन्न उगाते हैं हम, सबका पेट भरते हैं। इसको ऐसा मत सोचो कि ये अंडानी को अंबानी को बेच दे, उनको तो 4 साल पहले बता दिया, और हमारे को जो है ना 6 महीने पहले वो दिखा दिया कानून कानून कानून, जब हम कानून नहीं चाहते हमने क्यों बना रहे, क्यों थोप रहे हमें? देखिए खतरा लग रहा है कि जमीन चली जाएगी, जो फसल बेचने में दिक्कत आती है, किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल को उपजाता है, और जब वो उत्पादन पर आती है, जब वो बेचने के लिए मार्केट में लेके जाता है, तो तमाम बंदिशें लगा दी गई। हरियाणा की बात करें तो पहले मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करो, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आपके टाइम पर बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कतें काफ़ी हैं, मशीन से कटाई होती है, तो जब मशीन मिलेगी तब फसल को कटवा कर उस वक्त किसान लेके जाएगा, फसल के स्टोरेज की व्यवस्था किसान के पास नहीं होती, तमाम दिक्कतें होती हैं आप लोगों को। लेकिन क्या इस चक्का जाम से समाधान निकलेगा? लकड़ा का चूल्हा वो ना उठा कति ठीक से, चाहे कितने दिन लग जाओ। अच्छा लेकिन प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई किसान के हक के लिए बनाए मैंने कानून, कोना हमने फायदा उन कानून ना भाई, हमने उसके कानून ना कानून हम फायदा है कोना ठीक से, हमने उठा चाहे कितने दिन लग जाओ। हाँ क्या फायदा क्या टोटा से, हमने भी रहने ना एक हफ्ता पहले गेहूँ कट गए, अरे एक हफ्ता बच्चा नु कहा मंडी में तो ऑनलाइन बुकिंग आई भी लियाओ, कौन तो उनके माना तारेगा, और कौन का लगा 1000 रुपये तो गलाई के ले ले, 1000 तराई के ले ले, अरे बेके तो बेके ना भी बेके, फिर 2 दिन तक मंडी में पड़े रहो, यो मोदी तो बावड़ा बना रहे हम ना बना। देखिए जो दर्द इन महिलाओं ने बताया, ये व्यवस्था वर्तमान में भी जारी है, जो 3 नए कृषि कानून हैं उनसे इतर इस व्यवस्था से भी परेशानी है, जो हालिया व्यवस्था जारी है। ताई जी क्या कहेंगे, चक्का जाम से समाधान निकल जाएगा कि न्यू निकलेगा? न्यू बैठे हमारे बालक और आदमी सारे बेटा,
आखिर ये तीन कानून वापस ले ले हम जोड़ के कहा हम दिन हमने और कुछ नहीं चाहिए इन इन बड़का न है ना हम भी जान पैर ही हमारे बाल मरेंगे जो विवाद भी है। जय जवान जय किसान का नाम गलत नहीं। सड़क पर रोटी पानी सिखा दी आपके बड़का दही के रोटी पानी खिला दी मोदी ने सिखा दी बेटा हम डरी बोला मोदी ने क्यों मारी सुनागा और तो बढ़िया ना सुनागा तो हम सारे उड़े चले जाएंगे यो कर दिया ना रोटी पानी सका दी सरकारी नौकरी तो देनी और बाल के ब्याह ही नहीं जा तो रोटी तो पावेंगे भाई भूखे थोड़ी मरेंगे ये लड़की ब्याह में हागला नुकला क्या लू क्या हो सरकारी नौकरी हो 5-7 किले हो ना तो नौकरी देवे मोदी ना किले छोड़े रोटी तो भाई पावेंगे और रंडवे तरह होंगे बाल हाँ वो करने लग रहे दर्द काफी है इन महिलाओं का। आप देखिए इधर जो ये महिलाएं हैं देखिए काफी संख्या में यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं ये महिलाएं अपना दर्द लेकर इन सड़कों पर बैठी हैं इनके खेत की इनके जमीन को इनके आन की इनकी शान को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में ये महिलाएं हर वो भूमिका निभाने को तैयार हैं जो भूमिका निर्वहन करने से इनकी खेती बच सकती है इनकी जमीन बच सकती है। पुरुष आंदोलनकारी किसानों के साथ महिलाओं की सहभागिता और बराबर सहभागिता कंधे से कंधा मिलाकर ये महिलाएं आंदोलन में सक्रिय तौर पर भागीदारी निभा रही हैं धरना स्थलों पर भी डटी हुई हैं और जो ट्रैक्टर ट्रोलियाँ इन सड़कों पर खड़ी हैं उन ट्रैक्टर ट्रोलियों में भी बसेरा बसाया है और आज चक्का जाम को सफल बनाने में महिलाओं की भी अहम भूमिका रही है। महिलाओं ने किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोका प्यार से समझाया है। अभी हमने देखा कि जो मोटरसाइकिल यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी उनको प्यार से समझाया और रोका फिर उनको चाय पानी के लिए भेजा है चाय पानी की व्यवस्था भी की गई है। तमाम महिलाएं भी सरकार को यही कहना चाहती है कि तीनों कृषि कानून रद्द कर लिए जाएं रद्द कर देंगे तो उसके बाद ये महिलाएं भी अपने घरों को लौट जाएंगी और जो सड़कों पर किसान बैठे हैं वो किसान भी अपने घरों को लौट जाएंगे। प्रवीण कुमार धनखड़ पंजाब केसरी रोहतक।